नमस्कार, मैं अशोक कुमार बैरवा। प्यारे विद्यार्थियों, हम आर्थिक वनस्पति विज्ञान या इकोनॉमिक बॉटनी पढ़ रहे थे और उसमें हम मानव के उपयोग में आने वाले विभिन्न पौधे हैं उनके वानस्पतिक नामों के बारे में चर्चा कर रहे थे। उनकी कुल है उनको जानने की कोशिश कर रहे थे। पूर्व के वीडियो में हमने सीरियल्स, पल्सेज, वेजिटेबल्स, नट्स और फ्रूट्स प्रदान करने वाले जो पौधे हैं उनके बारे में देख लिया था। आज के वीडियो में हम मसाले, पेय पदार्थ और औषधीय पादप प्रदान करने वाले जो पौधे हैं उनके बारे में देख रहे हैं, उनके वानस्पतिक नाम और उनकी कुल के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पौधे हैं जिनसे संबंधित कई बार कि दो औषधीय पौधों के नाम लिखिए, वानस्पतिक नाम दीजिए, या जो चाय या कॉफी प्रदान करने वाले जो पौधे हैं उनके वानस्पतिक नाम दीजिए। मसाले के बारे में पूछा जा सकता है कि पांच मसाले प्रदान करने वाले पौधे हैं उनके वानस्पतिक नाम दीजिए। वैसे चाहे बच्चा बीएससी की कोई भी क्लास में हो, मैं तो ये मानता हूँ कि अगर 12वीं क्लास का बच्चा है तो उसके लिए भी अगर हमारे दो दो चार चार पौधों के वानस्पतिक नाम याद हो जाएं तो वो अपने आप में बहुत अच्छा होगा। चलिए तो हम सबसे पहले बात करते हैं मसालों की। ये हमारी रसोई में मिल जाते हैं सारे, तो कम से कम हमारी रसोई में जो मसाले काम में लिए जाते हैं तो उनके तो वानस्पतिक नाम हमारे याद रहने ही चाहिए। कुल भी अगर याद रह जाए तो वो अपने आप में अच्छा होगा। आपको ये पता ही है कि मसाले हैं वो सब्जी में क्यों डाले जाते हैं, भोजन है वो अधिक स्वादिष्ट बनता है, उनसे खुशबूदार बनता है, तो उसके लिए इनका उपयोग है वो किया जाता है। मसालों में सबसे पहले बात करते हैं मेथी। मेथी की पत्तियां भी सब्जी के रूप में काम में ली जाती है और मेथी जो है वो बीज जो होते हैं यानी उनका फल जो है उनका भी प्रयोग किया जाता है। इसका जो वानस्पतिक नाम है ट्राइगोनेला फिनम ग्रीकम होता है। फेबेसी या लेगुमिनेसी कुल का पौधा है ये। अमचूर, आम, देखिए चाहे आम हो चाहे कैरी जिसको हम कह देते हैं या अमचूर हो, उनका एक ही पौधे से मिलते हैं तो बॉटनिकल नेम तो सेम आएगा, मैंजीफेरा इंडिका, एनाकार्डियेसी कुल का पौधा है। जीरा जो होता है क्यूमिनम साइमिनम, जीरा क्या है इसका वानस्पतिक नाम जो जीरे के पौधे का होता है वो क्यूमिनम साइमिनम होता है, एपिएसी का है। ये एपिएसी कुल के जो पौधे हैं अधिकतर काम में लिए जाते हैं। धनिया है कोरिएंडम सैटाइवम, ये भी एपिएसी कुल का है। धनिया का जो वानस्पतिक नाम है क्या है, कोरिएंडम सैटाइवम है। सौंफ, फेनिकुलम वल्गेर, ये भी एपिएसी का है। मिर्च, कैप्सिकम एनुअम, सोलेनेसी कुल का पौधा है। काली मिर्च जो होती है पाइपर नाइग्रम होती है, काली मिर्च जो होती है वो क्या है पाइपर नाइग्रम होता है उसका वानस्पतिक नाम, पाइपरेसी कुल का पौधा है ये। इनके फल का उपयोग किया जाता है। और पीपल, पीपल जो है इसके भी फल का प्रयोग किया जाता है, पाइपर लौंगम बोलते हैं पीपल को, वनस्पति का जो नाम है उसका पाइपर लौंगम है, पाइपरेसी कुल का पौधा है ये। इलायची, इलायची देखी होगी ना, इलायची बड़ी, इलायची दो तरीके की होती है, एक बड़ी इलायची होती है एक छोटी इलायची होती है जिनके फल का प्रयोग किया जाता है। तो जो इलायची जो छोटी वाली होती है उसका नाम इलिटेरिया कार्डेमोम होता है, ये जिंजीबरेसी कुल का पौधा है। बड़ी इलायची जो होती है ये एमोमम एरोमेटिकम होती है, ये भी जिंजीबरेसी कुल का पौधा है, बड़ी इलायची। शाही जीरा, इसके भी फल का प्रयोग किया जाता है, कैरम कार्वी होता है इसका वानस्पतिक नाम, एपिएसी कुल का पौधा है। एक है लौंग, लौंग जो होती है इसके जो पुष्प है उसका प्रयोग किया जाता है, पुष्प है उसका प्रयोग किया जाता है, साइजियम एरोमेटिकम इसका वानस्पतिक नाम होता है। और मृटेसी जो कुल है उसका ये पौधा है। कौन से कुल का पौधा है, मृटेसी कुल का पौधा है, वानस्पतिक नाम साइजीजियम एरोमेटिकम होता है। और लौंग का जो पुष्प है उसका फ्लोवर जो है उसका प्रयोग है मसाले के रूप में किया जाता है। मसालों में यदि हम और आगे बात करें तो केसर, इसका भी फ्लोवर काम में आता है। क्रोकस सैटाइवस इसका वानस्पतिक नाम है, इरिडेसी कुल का पौधा है ये। हल्दी, हल्दी जो होती है ये स्टेम या स्टेम की जो मॉडिफिकेशन है उससे प्राप्त की जाती है और इसका जो वानस्पतिक नाम है वो करकुमा लौंगा होता है, जिंजीबरेसी कुल का पौधा है ये। अदरक जो है जिंजीबर ऑफिसिनेल, ये भी जिंजीबरेसी कुल का पौधा है। अदरक जो है ये आपको जिंजीबर
ऑफिसिनेल इसका वनस्पतिक नाम है, जिंजीबरेसी कुल का पौधा है। अच्छा, ये जो आपके जो केसर होती है ना कौशर, ये केसर का पौधा है। देखिए इसमें जो ये वैसे तो सारी चीजें काम में ली जाती हैं, लेकिन इसका जो मैन केसर जो होती है वो ये वाली होती है, रेड रेड आपको दिख रही होगी। ऐसे ही दालचीनी, दालचीनी का जो वानस्पतिक नाम है सिनेमोमम जाइलिकम होता है, लोरेसी कुल का पौधा है ये। हींग फेरुला ऑस्फोइटिडा एपिएसी कुल का पौधा है। पौदीना, इसकी पत्तियां काम में ली जाती हैं। मिंथा पिपरेटा है, लेमिनेसी कुल का पौधा है ये, लेमिएसी कुल का। तेज पात जो है वो सिनेमोमम टमाला, ये भी लोरेसी कुल का पौधा है। मीठा नीम मुराया कोनीगाई रूटेसी कुल का पौधा है, कड़ी पत्ता जिसको हम कहते हैं। जायफल और जावित्री, ये जायफल जावित्री जो है दोनों एक ही पौधे से मिलती हैं। जायफल जो है वो बीज को कहते हैं, जावित्री उसका जो फल है एरिल उसको कहा जाता है। इसका जो वानस्पतिक नाम है ये मृष्टिका फ्रेग्नेंस होता है। क्या होता है? मृष्टिका फ्रेग्नेंस होता है, और मृष्टिकेसी फैमिली का ये पौधा है। अजवाइन जो होता है ट्रेकिस्पर्मम एमी होता है इसका वानस्पतिक नाम, एपिएसी कुल का पौधा है ये। ऐसे ही इमली जो है टेमरिंडस इंडिका इसका वानस्पतिक नाम हो गया, और ये सिसिल पिनेसी जो उपकुल है फैमिली कुल की उसका ये पौधा होता है। अब हम बात कर रहे हैं पेय पदार्थ या बिविरेज जो होते हैं उनकी। ये भी एक तो अल्कोहलिक पेय पदार्थ हो सकते हैं और एक नॉन अल्कोहलिक पेय पदार्थ होते हैं। जो हम यहाँ पर जो नॉन अल्कोहलिक पेय पदार्थ है उनके बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें चाय कॉफी कोला चॉकलेट ये आते हैं। तो जो चाय है इसका वानस्पतिक नाम है कैमेलिया साइनेंसिस, थिएसी कुल का पौधा है। कॉफी जो है इसका वानस्पतिक नाम कॉफिया अरेबिका है, ये रुबिएसी कुल का पौधा होता है। कोला है इसका वानस्पतिक नाम कोला नाइटिडा होता है, और ये स्टरकुलेसी कुल का पौधा है। चॉकलेट के अगर हम वानस्पतिक नाम की बात करें तो ये थियोब्रोमा कोका इसका नाम होता है, और ये भी स्टरकुलेसी जो कुल है उसका पौधा होता है। तो जब बिविरेज के बारे में हम पढ़ेंगे तो चाय और कॉफी है इनका ये डिटेल से हम अध्ययन करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं औषधि प्रदान करने वाले पादप या मेडिसिनल प्लांट्स की। तो औषधियां जो हैं ये भी पौधे के जड़ से, तने से, पत्ती से, फल से, बीज से, पुष्प से प्राप्त हो सकती हैं। अलग अलग पौधा है उसका अलग अलग पार्ट है, उसका उपयोग किया जा सकता है, या संपूर्ण पौधा भी औषधि के रूप में प्रयोग है वो किया जा सकता है। औषधि जो प्रदान करने वाले पौधे हैं, जैसे औषधि किससे मिलती है, उसका उपयोग किस काम के लिए किया जाता है, ये हम इनका जब डिटेल से अध्ययन करेंगे तो वहां पर देखेंगे। यहाँ पर केवल हम इनका वानस्पतिक नाम एक सरफेसली अध्ययन कर रहे हैं उनके कुल के बारे में। अगर ये ऐसा पूछ लिया जाए कि पांच औषधीय पादपों के नाम लिखिए तो आप आसानी से लिख सकते हो, या निम्न में से कौन औषधीय पादप है, कौन सा औषधीय पादप है, तो उसको आप आसानी से छांट सकते हो। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है उसको आसानी से आप जवाब दे सकते हो, उस संदर्भ में हम इनको देख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम अश्वगंधा की। तो अश्वगंधा का जो वानस्पतिक नाम होता है वो धानिया सोमनीफेरा होता है, ये सोलेनेसी कुल का पौधा है। इसकी सामान्यतः जो मूल जो है अधिकतर वो काम में ली जाती है औषधि के रूप में। ये आप अश्वगंधा, सर्पगंधा, मुलेठी, सफेद मूसली, सतावर, पुनर्नवा, इनकी सबकी क्या है, रूट ही काम में आती है, मूल काम में आती है। छह जो पौधे हैं, सर्पगंधा जो है इसका वानस्पतिक नाम रूवाल्फिया सर्पेंटाइना है, और ये एपोसाइनेसी कुल का पौधा है। ऐसे ही मुलेठी जो है इसका वानस्पतिक नाम ग्लैसीरिहाइजा ग्लैब्रा होता है, और ये फैबेसी कुल का पौधा है। सफेद मूसली जो है इसका जो वानस्पतिक नाम होता है वो एस्पेरेगस एड सेंडेंस होता है, क्या है, एस्पेरेगस एड सेंडेंस, और ये लिलियेसी कुल का पौधा है। सतावर इसका वानस्पतिक नाम एस्पेरेगस रेसिमोसस होता है, लिलियेसी कुल का पौधा है। और पुनर्नवा जिसको बोरेविया रेपेंस कहते हैं, ये निक्टाजिनेसी कुल का पौधा है। तो ये जो छह पौधे हैं शुरुआत वाले, इनकी रूट जो है वो औषधि के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। नीम ये भी एक औषधीय पौधा है, इसका वानस्पतिक नाम एजेडिरिक्टा इंडिका होता है, मिलिएसी कुल का पौधा है ये। छाल का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है नीम की का।
अर्जुन इसका वानस्पतिक नाम टर्मिनेलिया अर्जुना होता है। कॉम्ब्रेटिएसी फैमिली का पौधा है ये। ऐसे ही कुनैन जो है उसके वानस्पतिक नाम की हम बात करें तो इसका सिनकोना ऑफिसिनेल होता है। रूबिएसी कुल का पौधा है ये। इसकी भी छाल है वो औषधि के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। तो नीम, अर्जुन और कुनैन इनकी क्या है, छाल है, उसका प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। फिर आता है ब्राह्मणी। इसका नाम वानस्पतिक जो नाम है वो है सेंटेला एसिएटिका होता है और ये एपिएसी कुल का पौधा है और सामान्यतः पर्ण है उसका औषधि के रूप में प्रयोग है वो किया जाता है। अगर और औषधीय पौधों की हम बात करें तो उनमें आता है बेलाडोना। इसका वानस्पतिक नाम एट्रोपा बेलाडोना होता है। सोलेनेसी कुल का पौधा है ये। तुलसी सभी के घरों में मिल जाती है तुलसी। इसका वानस्पतिक नाम ओसिमम सेक्टम होता है। लेमिएसी कुल का पौधा है ये। ऐसे ही भृंगराज ये इक्लिप्टा प्रोस्टेटा होता है, एस्ट्रेसी कुल का पौधा है। इनके पर्ण का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है। ग्वार पाठा का जो वानस्पतिक नाम होता है वो एलोय बारबेंडिस होता है और ये लिलिएसी कुल का पौधा है। अफीम का वानस्पतिक नाम पेपावर सोमनीफेरम होता है, ये पेपावरेसी कुल का पौधा है और ये इसका पुष्प भी, फल भी और बीज भी सारे औषधि के रूप में काम में लिए जाते हैं। आंवला, आंवला ये जो होता है आंवला, ये इसका जो वानस्पतिक नाम है वो है अम्बेलिका ऑफिसिनेल, ये यूफोर्बिएसी कुल का पौधा है। जमाल घोटा आपने सुना ही है नाम। ये क्रोटन, इसका जो वानस्पतिक नाम अगर है की बात करें तो इसका जो वानस्पतिक नाम होता है वो क्रोटन टिगलियम होता है और ये यूफोर्बिएसी कुल का पौधा है। इसबगोल भी आपने, अब तो इतने ज्यादा यूज नहीं लेते, इसको पहले यूज किया जाता था। तो जो इसबगोल जो है इसको इसका ये जो पोएसी कुल का पौधा है और ये प्लांटेगो ओवेटा इसका वानस्पतिक नाम होता है। धतूरा, देखो धतूरे में भी दो आते हैं, काला धतूरा और एक सफेद धतूरा होता है, धतूरा मेटल, और दूसरी जाति होती है उसका धतूरा एस्ट्रोमोनियम होता है वानस्पतिक नाम। ये सोलेनेसी कुल का पौधा है। हेनबेन ये भी सोलेनेसी कुल का पौधा है, हायोसाइमस नाइगर है इसका वानस्पतिक नाम होता है। और असगंध ये विथानिया सोमनीफेरा, ये सोलेनेसी कुल का पौधा। असगंध हमने शायद पहले देख लिया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण औषधीय पादप है जिनके विभिन्न भागों का औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर अन्य औषधीय पादप जो बचे हुए हैं उनके वानस्पतिक नाम है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे।